अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि स्पिनर मशीन क्लॉथ ड्रायर जो होती है वो आप ख़ुद कैसे तैयार कर सकते हैं मार्केट से ही सामान लेकर, और सामान इतना अच्छा आप लेकर तैयार कर सकते हैं कि फुल टॉप का ड्रम भी अच्छा, स्प्रिंग भी अच्छे, लेकिन मार्केट से इंतहाई सस्ता आपको पड़ेगा। तो मार्केट में अगर अच्छे वाला स्पिनर मशीन लें, सुपर एशिया का या क्या कहते हैं इंडस का, तो वो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये में पड़ता है। तो ये आप ख़ुद तैयार कर सकते हैं मोटर लेकर, ये अच्छे वाला ड्रम इतना अच्छा, फिर उसके अंदर सामान भी नहीं लगा होता है, इस तरह के स्प्रिंग नहीं लगे होते, इस तरह का ड्रम नहीं लगा होता, और मोटर भी आप ख़ुद अच्छी लेकर उसके अंदर फिटिंग कर सकते। तो फिटिंग इसकी बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मैं आपके सामने फिटिंग कर रहा हूँ, ये इसके स्प्रिंग वगैरह इस तरह लगा, और उसके बाद ये अंदर अच्छी वाली वाश लें लगा कर ऊपर से नट टाइट कर देते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को। कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, ये बहुत ही आसान काम है। नट बोल्टों के ऊपर समाध बोन लगा लेनी चाहिए ताकि काबले जो हैं नट बोल्ट उनको जंग भी ना आए और पानी की लीकेज का भी पक्का काम हो जाए। ये जो ड्रमी है ये तकरीबन 600-700 की मार्केट से अच्छी वाली मिल जाती है सफ़ेद प्लास्टिक में, और स्प्रिंग गालबन तकरीबन 300-350 के स्प्रिंग मिल जाते हैं। और इसके अलावा कॉपर की मोटर लें तो वो 3,000 की, 2600-2700 से 3,000 के दरमियान मिल जाती है कॉपर वेंडिंग में। और इसके अलावा बाडी है वो सेकंड हैंड भी मिल सकती है, सेकंड हैंड बाडी बंदा ढूंढ लेता है अगर नई नई लगानी चाहते, वो तकरीबन 1000-1500 रुपए में, अच्छी बल्कि 1000 रुपए में बाडी मिल जाती है। और उसके अलावा तो बाकी वायरिंग वगैरह है, कोई बटन वगैरह है, और अंदर छानना जो है वो भी अगर कोई सेकंड हैंड नहीं मिल रहा तो 1000 रुपये का वो भी मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का। तो इसी तरह 6-7 हज़ार में अच्छी वाली स्पिनर मशीन तैयार हो जाती है, जिस तरह की मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होगी। मोटर फिट करने के बाद ये ऊपर वाला जो छानना है इसकी करनी है, इसकी फिटिंग का थोड़ा सा एहतियात ये करनी चाहिए कि ये जो छानने के साथ कपल लगी होती है, एक प्लेन और जो मोटर की शाफ्ट है उसके दरमियान, मतलब वो अच्छी तरह आपस के अंदर कॉन्टैक्ट उनका बन जाए, अच्छी तरह फिटिंग आ जाए। अगर ये लूज़ होगी तो ये अनबैलेंस हो जाएगा आपका छानना, तो ये इतनी वाइब्रेट करेगा कि बहुत ज़्यादा, इसका आप ये ख्याल करें। थोड़ा सा लूज़ भी तो भी आप फिटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा सेंटर के अंदर घुमा कर देख लें, जहाँ पे बिल्कुल ठीक हो वहाँ पे ऊपर वाला नट एडजस्ट कर। ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। इसके बाद इसका ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत तंग होती है, और ये फिटिशन के साथ काबले वगैरह लगाने पड़ते हैं। ये इसके लिए आपके पास कम से कम दो जो है ना वो पाने या चाबियां होनी चाहिए, बहुत आसानी से फिटिंग हो जाती है। ये मैं अकेला ही फिटिंग कर रहा हूँ, मतलब साथ में कोई और बंदा हेल्प वाला हो तो आसानी हो जाती है। अगर कोई मोटा तगड़ा बंदा हो तो वो तो बेचारा सारा दिन ही
इस पे ही लगा रहेगा कि उसके हाथ यहाँ तक पहुँचने नहीं है, तो वो बेचारा तंग होगा। दोस्तों, ये ड्रमी की फिटिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये ड्रमी चारों साइडों से भी सेंटर में हो और ऊपर से भी इतनी नीचे हो कि जो इसके ऊपर वो ताज और वो जो ट्रे लगती है वो इसके साथ बिल्कुल टच हो जाए। अगर ये वो ट्रे जो ऊपर इसके ढक्कन होता है उससे नीचे होगी तो फिर भी वाइब्रेशन ज़्यादा करेगी, और अगर ज़्यादा ऊपर होगी तो फिर उसके फिटिंग नहीं आनी सही। और ये जो है प्लास्टिक की ड्रमी, ये देखें इसकी बिल्कुल ज़बरदस्त फिटिंग आ गई है। और ये जो घूम रहा है छानना, ये भी थोड़ा सा ऐसे इतना नीचे होना चाहिए। ज़्यादा ऊपर होगा तो ऊपर साथ लगेगा और ज़्यादा नीचे होगा तो फिर वो सही काम नहीं करेगा। ये बेहतरीन फिटिंग हो गई है मोटर की और मशीन की सेंटर के अंदर। अगर ये ड्रम थोड़ा सा साइड पे होगा ना तो फिर इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगे। चलेगा तो सही, काम भी करेगा, कपड़े भी खुश करेगा, लेकिन वो खूबसूरत नहीं लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे ये कोई स्प्रिंग अनबैलेंस। और हाँ, अगर इसकी एडजस्टमेंट के अंदर ये मसला आए कि ड्रम एक साइड से एक साइड पर चला गया छानना, ड्रम के अंदर सेंटर में नहीं है, तो ये आप स्प्रिंग के और ये मोटर की जो पतरी है उसके दरमियान कुछ वाशल वगैरह रख के उसको बैलेंस कर सकते हैं। और या फिर मोटर की जो पतरियां हैं, ये तीन कान जिसे बोलते हैं, इनको आप ऊपर नीचे करके भी सेंटर के अंदर ही वो छानना। इसके अंदर ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, और इसके अलावा मेरे ख्याल में स्पिनर के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है कि ये सेंटर के अंदर छानना हो जाए। और ये नई फिटिंग जब हो तो फिर मुश्किल होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह आप फिटिंग कर सकते हैं। ये कैपेसिटर और पाइप, ये सारी मुकम्मल फिटिंग हो गई है। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गई है। नई तो नहीं है लेकिन नई जैसी है, और मेरे ख्याल में नई से भी अच्छा काम करेगी। ये इसके अंदर टाइमर है, ये स्विच है, इसको आप टाइमर से भी ऑन कर सकते हैं और स्विच से भी। इसके कनेक्शन दोनों तरह कर सकते हैं, टाइमर ऑन हो, स्विच ऑन हो तो टाइमर भी ऑन हो तब ऑन चले, या टाइमर से अलग चले और स्विच से अलग चले। इसके जैसे भी आपको कनेक्शन अच्छे लगे वो आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।